हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का रण दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। प्रदेश राज्य पूर्व अर्ध सैनिक कल्याण और समन्वय संघ ने भी अब विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। संघ ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए चुनाव लड़ने की बात कही है। सभी साथी आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं और इस लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने अपना इलेक्शन जो है उसको चुनने लड़ने का निर्णय लिया है आपस में, और उसकी पहली लिस्ट हम प्रेस क्लब में यहां आप लोगों के माध्यम से जारी कर रहे हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो आपने आज तक हमारे साथ अन्याय किया, जो अस्तित्व की लड़ाई में हमारे को गुमशुदा बना दिया, जो हमारी पहचान हमको नहीं दी गई, जो हमारी बातें हमारी नहीं सुनी गई, उसको व्यक्त करने के लिए हमारी कार्यकारिणी ने एक फैसला लिया है कि हम आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उसमें कम से कम 40 के आसपास हम उम्मीदवार उतारेंगे, जो अभी का निर्णय है। हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जब और लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे तो ये सीटें बढ़ भी सकती हैं। जैसे भी बुद्धिजीवी और क्षेत्रीय पार्टियां हमारे साथ जो बहुत संख्या में आ चुकी हैं, हमारे को कॉन्टेक्ट कर रही हैं, लगातार हमारे संपर्क में हैं, और वो चाहती हैं कि हम सभी सीटों पर पैरामिलिट्री के लोग और कुछ बुद्धिजीवी लोग जो अन्य समाज के वर्गों से हैं, बेशक वो शिक्षक वर्ग से है, बेशक वो कर्मचारी वर्ग से है, बेशक वो और भी किसी वर्ग से है, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, जजेस हैं, कुछ भी है, किसी भी वर्ग से हैं, वो हमारे साथ संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए आगे आए जो कि करप्शन से दूर हो, जिसमें सबको न्याय मिले और भाई भतीजावाद जो है उसको हम इस स्टेट से खत्म करें। चुनाव लड़ने का दबाव आप आज कितने लोगों की लिस्ट जारी की? हम फर्स्ट लिस्ट जो है सिर्फ 6 आदमी की दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी कार्यकारिणी उसके ऊपर मंथन कर रही है। बड़े नाम आए हैं, हम सोच सोच के उन नामों को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को कुछ ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रथम कदम है वो ही गलत हो जाए। तो सेकंड चरण में हम लोग मैक्सिमम लिस्ट और थर्ड चरण में हम अपनी फाइनल लिस्ट आप सबके समक्ष लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।